ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में दिन दहाड़े चलाई गई गोलियां, एक युवक घायल, सूरजपुर थाना क्षेत्र में हुई घटना। कंटेनर और कार की टक्कर के चलते कार में सवार तीन लोगों की मौत, आपस में चचेरे भाई हैं तीनों मृतक। और कोहरे का कहर जारी, मंगलवार को 5 उड़ानों पर पड़ा था असर, बुधवार को सिर्फ एक फ्लाइट हुई लेट। उदयपुर में एक बार फिर से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। बुधवार को दोपहर के समय हुई इस फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। घटना सूरजपुर थाना क्षेत्र के गुलाबबाग इलाके में हुई है। फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से भाग छुटे। मौके से बंदूक द्वारा चलाई गई गोली के खोखे बरामद हुए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में आने वाले गुलाबबाग मेन रोड पर हुई फायरिंग की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है स्कूटी पर सवार होकर आए दो लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना में विवेक सेन नाम के व्यक्ति पर फायरिंग की गई है। विवेक सेन के पैर में गोली लगी है। घायल विवेक सेन को अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना के बाद मौके से गोली के दो खोखे बरामद हुए हैं। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद डेप्यूटी पुलिस ऑफिसर शिप्रा राजावत जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची है और मामले की तफ्तीश कर रही है। फिलहाल घटना के पीछे के कारण और आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ की खुशबू, यहाँ का स्वाद, वैदेही फूड प्लाजा का नाश्ता है ही इतना लाजवाब। जब गारंटी शुद्ध मूंगफली तेल की मिलती है तो खाने की भूख और बढ़ती है, क्योंकि क्वालिटी मतलब वैदेही फूड प्लाजा एट आयुर्वेद सर्कल, राडा जी चौराया। कंटेनर और कार की टक्कर के चलते कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई। तीनों मृतक चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तीनों चचेरे भाई एक शादी में शरीक होने के बाद अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। हादसा बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले नेशनल हाईवे 48 पर हुआ है। मंगलवार की रात को हाईवे नंबर 48 पर शिशोद गाँव के पास ये हादसा हुआ है। कंटेनर और कार की टक्कर के चलते कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई। तीनों मृतक चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है तीनों चचेरे भाई एक शादी में शरीक होने के बाद अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। हादसा बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले नेशनल हाईवे 48 पर हुआ है। मंगलवार को रात के समय हाईवे नंबर 48 पर शिशोद गाँव के पास ये हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 48 पर शिशोद गाँव के पास पीछे से स्पीड में आ रहे कंटेनर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर कार को घसीटते हुए करीब 30 फीट तक आगे ले गया। हादसे में कार सवार पंकज, अक्षय और महेश के सिर, हाथ व पैर में गंभीर चोटें आई है। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी ड्राइवर कंटेनर छोड़कर मौके से फरार हो गया। बिछीवाड़ा पुलिस के मुताबिक बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के भुवाली निवासी 25 वर्षीय पंकज पुत्र राकेश डामोर, 27 वर्षीय अक्षय पुत्र प्रवीण और 26 वर्षीय महेश पुत्र देवचंद डामोर की इस घटना में मौत हुई है। तीनों आपस में चचेरे भाई थे। तीनों मंगलवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के कुशाल मंगरी गांव के एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। शादी में शरीक होने के बाद तीनों ही रात को कार में सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। घटना की सूचना पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर शव डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शवों के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने तीनों शव को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं ड्राइवर के खिलाफ एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी ड्राइवर की तलाशी की जा रही है।
चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरण मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। मौसम के पलटी खाने के साथ ही शुरू हुई सर्दी के बाद अब कोहरा भी अपना रूप दिखाने लगा है। मंगलवार सुबह 8 बजे तक घना कोहरा छाया रहा, जिससे डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर हवाई उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। घने कोहरे के चलते उदयपुर में संचालित होने वाली एक हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। मुंबई से उदयपुर आने वाली फ्लाइट बुधवार को 25 मिनट देरी से पहुंची, जबकि मंगलवार को कोहरे के चलते 4 से 5 फ्लाइट्स देरी से पहुंची थी। उदयपुर से सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच संचालित होने वाली फ्लाइट्स मंगलवार को कोहरे के चलते 5 उड़ानें विलंबित रही। ये सभी उदयपुर को जयपुर, मुंबई और भोपाल से जोड़ने वाली फ्लाइट्स बताई जा रही है। मंगलवार सुबह लगभग 10:30 बजे मौसम साफ होने और विजिबिलिटी में सुधार होने के बाद फ्लाइट्स को उड़ान भरने और रनवे पर उतरने की अनुमति मिली। इंडिगो सुबह 7:40 की जगह 10:56 पर उदयपुर पहुंची थी, जबकि सुबह 8 बजे मुंबई से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट्स 3 घंटे देरी से यानी 10:52 पर उदयपुर में लैंड हुई थी। इसी तरह दिल्ली से 9:25 पर आने वाली इंडिगो फ्लाइट 11:21 पर उदयपुर पहुंची थी। भोपाल से आने वाली इंडिगो की 10 बजे के स्थान पर 10:35 पर उदयपुर पहुंची थी। मंगलवार की बजाय बुधवार को मौसम ज्यादा साफ था, ऐसे में मुंबई से उदयपुर आने वाली फ्लाइट्स 25 मिनट देरी से उदयपुर पहुंची। उदयपुर में शादियों के सीजन की शुरुआत होने के साथ ही सामूहिक शादियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। उदयपुर में कलाल समाज का सामूहिक विवाह समारोह बुधवार को महाकालेश्वर गार्डन में आयोजित हुआ। विवाह समारोह से पूर्व 12 दूल्हों की सामूहिक बिंदोली निकाली गई। यह बिंदोली राणाजी चौराहे से शुरू होकर रानी रोड होते हुए विवाह स्थल पर पहुंची, जहां तोरण की रस्म के बाद पाणिग्रह संस्कार हुए। उदयपुर में कलाल समाज की ओर से बुधवार को आयोजित हुए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन महाकालेश्वर गार्डन में किया गया। इस आयोजन में 12 जोड़ों ने परिणय सूत्र में बंधकर एक दूसरे का जीवन साथी बनने का संकल्प लिया। विवाह समारोह के दौरान पंडितों के मंत्रोच्चारण के साथ दुल्हा दुल्हनों ने सात फेरे लिए और एक साथ चलने और जन्मों जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। समाज के नरेश पुरबिया ने बताया कि सामूहिक विवाह समारोह में मेवाड़ संभाग के 12 जोड़ों का विवाह कराया गया। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह समारोह कराने का उद्देश्य समय और पैसों की फिजूल खर्ची रोकना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगली बार और ज्यादा लोगों को जोड़कर ज्यादा जोड़ों की शादी कराई जाएगी। इस विवाह समारोह में सर्ववर्गीय महिला संघी ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है। कलाल समाज का तृतीय सामूहिक विवाह महाकालेश्वर गार्डन में आज आयोजित किया जा रहा है। इस सामूहिक विवाह को सर्ववर्गीय कलाल संगिनी महिला मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। संरक्षक सुनीता सुहालगा एवं अध्यक्ष मंजू जी पुरबिया ने अथक प्रयास किए हैं। उनकी टीम ने पूरा प्रयास करके बामाशाह को जुटाया और बामाशाह के बलबूते आज 12 जोड़ों का यह सामूहिक विवाह आयोजित किया जा रहा है और एक तुलसी विवाह का आयोजन किया जा रहा है। वाइब्स जशन की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की, अरमानों की, बारातों की, वाइब्स है ये है अपनों की, सिटी वाइब्स है ये। पुलिस को सूचना देने वाले मुखबिर को ही पुलिस द्वारा परेशान करने और उसको धमका कर उससे 8 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है। डबोक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री के मैनेजर ने उसकी फैक्ट्री में आने जाने वाले युवक की गतिविधियां संदिग्ध देखने पर उसकी शिकायत एसीबी में की। एसीबी को दी रिपोर्ट में सुनील पाटिल परिवादी है और हेमंत झा सब परिवादी है। इसकी शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों की जांच करने के बजाय शिकायत करने वाले परिवादी को ही धमकाते हुए उससे 8 लाख रुपए की मांग की है।
परिवादी सुनील पाटिल ने एसीबी को दी रिपोर्ट में बताया कि वह दमन दीव का रहने वाला है और भोलेनाथ इंटरप्राइजेस फर्म का सुपरवाइजर है। उसकी फर्म ने डबोक स्थित शाह पॉलीमर्स फैक्ट्री का काम ले रखा है। उसकी फर्म से हेमंत झा उदयपुर में रहकर शाह पॉलीमर्स का काम देखता है। परिवादी ने बताया कि शाह पॉलीमर्स फैक्ट्री में निखिल सिंह नियमित विजिट पर आते जाते हैं। अगस्त में एक दिन परिवादी ने शाह पॉलीमर्स फैक्ट्री के बाहर निखिल सिंह को कुछ अन्य व्यक्तियों से संदिग्ध हालत में पैकेट का लेन देन करते देख लिया। फैक्ट्री में कार्यरत निखिल सिंह को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त देखकर उसने डबोक थाने के हेड कांस्टेबल महावीर प्रसाद को मुखबिर करते हुए शिकायत की। उसकी शिकायत पुलिस ने FIR दर्ज कर इस मामले की जांच फतेहनगर थानाधिकारी सुरेश चंद्र मीणा को सौंप दी। लेकिन इस मामले में आरोपियों को पकड़ने के बजाय पुलिस मुखबिर करने वाले सुनील और हेमंत झा को ही परेशान कर रहे हैं और मुकदमे में उल्टा फंसाने की धमकी देकर 8 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। NDPS एक्ट के एक मामले की जांच में 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और उससे 4.5 लाख रुपए की राशि लेने पुत्र को भेजने के मामले में फिलहाल आरोपी फतेहनगर थानाधिकारी और डबोक थाने के हेड कांस्टेबल का सुराग नहीं मिल सका है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस एवं तस्करों के बीच गठजोड़ की संभावनाएं बताई जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में दिन दहाड़े चलाई गई गोलियां, एक युवक घायल, सूरजपुर थाना क्षेत्र में हुई घटना। कंटेनर और कार की टक्कर के चलते कार में सवार 3 लोगों की मौत, आपस में चचेरे भाई हैं, तीनों मृतक। और कोहरे का कहर जारी, मंगलवार को 5 उड़ानों पर पड़ा था असर, बुधवार को सिर्फ 1 फ्लाइट हुई लेट। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज 91 पर। नमस्कार, ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।